हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पीयू। पीयू के इस फनी सिंपल लाइफस्टाइल वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो मैं कल से मैं ब्लॉगिंग कर रही थी 26 जनवरी का, तो रिपब्लिक डे का कुछ शेयर की हूँ और आज ब्रेकफास्ट तक सुबह तक किए, तो उसके बाद तो संभव नहीं हुआ। तो अभी मेरा हस्बैंड आया है और थोड़ा चिकन लेके आया है, तो हम सोचे कि क्या करेंगे, तो और लच्छा पराठा ऑर्डर दे के आया है, तो हम सोचे कि चिकन भरता बनाएंगे, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए आप भी देखिए चिकन भरता कैसे हम बनाते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी उसको ट्राई कीजिएगा घर में। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। घर में 10 मिनट भिगा के रखे थे और उसको अच्छा से धो लिए हैं, तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है, तो इसको पहले मैं सिजाने के लिए दे दूंगी। और सिजाने के लिए दे दिया, और इसमें ऐड करेंगे नमक, और ये जो खड़ा मसाला है इलायची, दालचीनी, लौंग, गोलकी और स्टार एनीस, ये सब भी इसमें दे देंगे ताकि फ्लेवर अच्छा है। और इंग्रेडिएंट्स है ऑनियन, लहसुन, एक छोटा सा टमाटर, दही, और गार्निशिंग के लिए है अंडा एंड गरम मसाला जो है वो तो मैं घर में तैयार करती हूँ वो, एंड कश्मीरी मिर्च, और यहाँ पे अदरक लहसुन एंड मिर्चा का पेस्ट है। तो अभी मैं इसे थोड़ा देर के लिए ढक दूंगी कि जल्दी ये सीझ जाए। और चिकन को मैंने सीझा लिया है, सॉरी चिकन को सीझा लिया, और देखिए चिकन का जो स्टॉक है उसको मैं छान के रख दी, इसको मैंने फेंकेंगे नहीं क्योंकि यही पानी से चिकन स्टॉक से मैं चिकन को बनाऊंगी। वो क्या है, मेरा सीज गया है, तो अभी हम यहाँ पे इसको छील रहे हैं। यहाँ पे छील रहे हैं, और यहाँ पे गाइस मेरा तेल गरम हो गया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें कलर आता है, चीनी से थोड़ा सा अच्छा कलर आता है। तो तेल में चीनी मेल्ट हो जाए तो धीरे धीरे मैं खड़ा मसाला दे दूंगी, तब तक मैं चिकन को यहाँ पे सारा एक एक करके छील लूंगी यहाँ पे। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये रेस्टोरेंट जैसा ही फ्लेवर आता है। तो देखे अपने इस तरह से चिकन को मैं छील के रखे हैं, एंड इधर मैं जितना मेरा खारा मसाला है ऐड करूंगी। फर्स्ट में मैं दे रही हूँ जीरा, एंड देन इलायची, दालचीनी, लौंग, गोलकी, स्टार एनीस, सारा खड़ा मसाला इसमें डाल दूंगी, एंड उसके बाद मैं देंगी लहसुन। ये लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए, खुशबू भी आ रहा है इससे, एंड उसके बाद ये फ्राई हो गया है, अभी मैं ऑनियन को ऐड कर दूंगी, प्याज ऐड कर दूंगी। ऐसे
एंड अभी प्याज भून चुका है तो मैं टमाटर जो है टमाटर को भी ऐड कर दूंगी। तो ये टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो जाए एंड मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड जीरा और धनिया का जो पाउडर है पेस्ट वो भी ऐड कर रही हूँ साथ में। मैंने तो चीनी ऐड किए थे कलर के लिए और अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आया है और इसके साथ इसका जो दिखने में इतना अच्छा हो रहा है तो गाइस खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ट्राई जरूर कीजिए घर में। एंड ये थोड़ा सा अच्छा से पक गया है देन मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट मिर्चा सब मिक्सी में पेस्ट कर चुके हैं। जितना सारा इंग्रेडिएंट्स था जितना मसाला था सारा यहाँ पे मिला लेंगे। एंड यहाँ पे जो चिकन है चिकन को भी मैं मसाला में ऐड कर दूंगी। एंड नाउ मैं अभी सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। एंड सबको बहुत अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। इसको जितना मिलाएंगे मीडियम आंच में गैस को मीडियम आंच कर लेंगे और इसको जितना मिलाएंगे चिकन को ये खाने में उतना ही टेस्ट होगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आता है। सारा मसाला मिल जाए तो यहाँ पे दही मैं 2 चम्मच यहाँ पे ऐड कर दूंगी। दही से सब जानते हैं कि थोड़ा सा ऑयल होता ही है और यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर वो भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। एंड सर साथ में ही होममेड जो गरम मसाला है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। एंड इसको जितना अच्छा से मिलाएंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। गाइस रियली इसका कलर
बहुत अच्छा आया है। कैमरा में तो पता नहीं कितना आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल कलर इसका बहुत अच्छा है। मतलब मैं जो महसूस कर रही हूँ सही में ये ऑसम जस्ट कलर। आई होप खाने में भी अच्छा लगेगा और आप भी इसी तरह कीजिए तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा और ये बहुत जल्दी ही बन जाता है। चिकन में ऐड जो करूँगी ये ऐसा पानी नहीं जिसमें गाइस मैंने चिकन स्टॉक करके रखे थे, जिसमें मैंने चिकन को सिजाए थे वही वाला पानी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, वही चिकन स्टॉक में ऐड करूँगी। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगी। थोड़ा सा पक जाए तो बंद कर दूंगी। एंड गाइस देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा हस्बैंड मतलब बाजार से सलाड्स लेके आए हैं और मैं फिर भी थोड़ा ऑनियंस कट के रखती हूँ सलाद के लिए। और यहाँ लच्छा पराठा गरम गरम लेके आए हैं, तो ये है लच्छा पराठा, ये है लच्छा पराठा गरम गरम जो मैं ये चिकन भरता के साथ खाऊंगी। ये चिकन भरता बनाना सही में बहुत इजी है, आप लोग इसे ट्राई जरूर कीजिएगा घर में। एंड ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, ऑसम हुआ है। एंड ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता भी मैं गार्निश कर दे रही हूँ, क्योंकि धनिया पत्ता कोई चीज में दो, कोई भी चीज में दो तो अच्छा तो लगना ही है। तो डन मेरा चिकन भरता। तो मेरा अभी चिकन भरता जो है वो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गार्निशिंग के लिए लास्ट में जो एक है बचा हुआ है वो भी मैं डाल दूंगी। और गाइस सही में एक बात है कि बैगन भरता से इजी है चिकन भरता करना सही में, और बहुत अच्छा लगता है उसको खाने में। आप इसको रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बटर नान नान के साथ, कुलचा। तो मैं अभी पराठा लेके आए हैं, ये लच्छा पराठा लेके आए हैं। तो अभी हो गया है मेरा कंप्लीट, ये है मेरा अभी चिकन जो है टोटली कंप्लीट हो गया है। और सही में ये बहुत अच्छा बना है गाइस, खाने में उतना ही टेस्ट आया है, दिखने में भी बहुत हुआ है। मैं अपने क्यू बोल के अपना नाम ले रही हूँ ऐसा बात नहीं है, सही में बहुत अच्छा लगा। सो देखिए गाइस इसका कलर ऑसम आया है एंड ये हुए भी है बहुत अच्छा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज यही है हम लोग का डिनर और इसमें मैंने अंडा भी दिए हैं। और देखिए यहाँ पे सलाद बाजार से जो लच्छा पराठा लेके आए थे वो है
और यहाँ पे सलाद है और मैंने कुछ ऑनियंस ऐसे ही कट के रखे थे सलाद के लिए, उस समय मुझे पता नहीं था, फिर भी कट लिया, अच्छा ही हुआ। तो यही है आज का डिनर हमारे, और बाकी जितना एक था इसमें मैं मिला दी। तो आप भी इसी तरह ट्राई कीजिए, ये दिखने में जितना अच्छा हुआ है ये खाने में भी उतना ही टेस्ट है। एंड ये है मेरा लच्छा पराठा के साथ चिकन भरता का लास्ट लुक, देख रहे हैं। तो मैं इसे अभी गरम गरम सर्व करूंगी, पहले मैं अपनी बेटी को दूंगी इसलिए उसके लिए प्लेट और कटोरी रख दिए हैं। ये है लच्छा पराठा गरम गरम। तो गाइस कैसे लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बोलिएगा। हे गाइस, तो कैसे लगा मेरा आज का ये वीडियो और चिकन भरता वाला रेसिपी कैसा लगा है? तो आप भी ज़रूर घर में इसे ट्राई करना, ये खाने में बहुत टेस्ट हुआ है। और इसे आप रुमाली रोटी, नान, परोठा, कुछ किस मैंने कोई भी चीज़ से खा सकते हैं, इनफैक्ट प्लेन रोटी से भी खा सकते हैं। तो आज मेरा हस्बैंड लच्छा पराठा लेके आए हैं, तो आज मस्ती लेते हैं डिनर का, ढिंका चिका। आज चिकन भरता बनाए, बहुत अच्छे से बनाए, और ये बैगन का भरता सा भी इजी होता है चिकन भरता, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। स्नेहा को लगे है बहुत ज़ोर से ठंडा, बाहर से आए हैं और मतलब पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, बहुत पहले ही आया है बाहर, मतलब ट्यूशन पढ़ के बहुत पहले ही आ गए, 8:30 बजे तक आ गई थी, तो अभी वो पढ़ रही है। तो मेरा डिनर ऑलमोस्ट कम्प्लीट, मैं 9 बजे आपके साथ बात करना स्टार्ट किए थे, तो अभी हो रहा है 10:05 बाकी, देख पा रहे हैं? ये तो उल्टा दिखा रहा है, 2 बज रहा है, देख रहा है। नहीं, 10:05 बाकी है, जो भी हो। तो अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कॉमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल, लव यू टू ऑल।